गाड़ी को क्या हो गया? पेट्रोल खत्म है। अब मैं क्या करूं? तेज बारिश हो रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है? है। 10 किलोमीटर दूर। कोई होटल वोटल? है ना। कहाँ? 15 किलोमीटर। ठीक है। रात भर यहीं रहना है? तो और क्या करूं? पास ही एक हवेली है, वहीं रह लो। वहां हवेली है, वहीं जाके रह लो। किसकी है हवेली? मेरी है। मैं कहीं जा रहा हूं। ये लो चाबी। वहां हवेली में कौन है? कोई नहीं। मैं उस हवेली में अकेले रहूंगी? ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ रात भर कार में अकेली रहेगी तो सुबह जिंदा बचेगी कि नहीं क्या मालूम। वहां हवेली में जाकर रहो और मेरा एक काम भी कर देना। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है, कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है, वो लाके दे देना बस। तुम खुद क्यों नहीं ले आते? मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बॉक्स लेके आओ और ये 20 लाख रुपए ले लो। सोचो, एक रात में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। 20 लाख? 20 लाख रुपए दे रहा है आदमी मुझे? एक बार पैसे मेरे हाथ लग गए तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी इस भयानक रात में मैं जाऊंगी कहाँ? ठीक है, ये लो चाबी, सुबह यहीं मिलूंगा, ले लो। Thank you.
मेरा रह गया। इतने सारे शीशे क्यों लगे हुए हैं? इनके बारे में तो उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया। लाइट होनी चाहिए। बहुत थक गई हूं मैं। कितनी अजीब जगह है ये। बस किसी तरह ये रात कट जाए। बीस लाख मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। ऊपर बाई तरफ एक कमरा है, कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है। क्यों मत खोलना बॉक्स को? 20 लाख रुपए दे रहा है वो मुझे इस बॉक्स के। देखो तो सही क्यों दे रहा है 20 लाख रुपए इस बॉक्स के। हीरे Yeah.
क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे बॉस ने तेरे लिए ये भेजा है। अब इसकी क्या जरूरत है? सिर्फ आज की रात बाकी है तेरे पास। या तो वो हीरे ला कर दे दे, नहीं तो वो 10 करोड़ रुपए वापस कर दे। मैं कहां से दूं? वो हीरे घर पे रखे हुए हैं। झूठ मत बोल, घर में है तो लाकर क्यों नहीं देता? मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूं। क्यों नहीं गया? मेरे घर में कोई घुस गया है, उसके डर की वजह से मैं घर में नहीं जा सकता। कोई आदमी है? पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी घर में जाता है वो उसे खा जाता है। पिस्टल सामने रखी है फिर भी डर नहीं लग रहा है, मुझे बेवकूफ समझता है। चुपचाप 10 करोड़ रुपए वापस कर दे, नहीं तो हीरे ला कर दे। एक बार घर में घुस जाओ तो ला के दे सकता। 2-4 लोगों को भेज चुका, सबके सब मर गए। मैं खुद बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागा हूं। ये देखो, वो मुझे भी खाने वाला था। ये देखो, वो है कौन? पता नहीं कौन है। इतनी इतनी भयानक चीख है उसकी कि जब वो चीखता है तो जाती है। मेरी बात का विश्वास कर, वो है, मेरे घर में है। नहीं तो मैं तुम लोगों से दुश्मनी क्यों बोलूंगा यार? बोल, वो आया कहां से? उस दिन जब मैंने तुम लोगों से 10 करोड़ लिए और हीरे देने का वादा किया, मैं घर पहुंचा। उस रात मेरा एक बहुत पुराना दोस्त अचानक कहीं से आ गया। Thank you.
मैं तेरे ही आने का इंतजार कर रहा था। वेलकम वेलकम। अरे यार ये तू अपने साथ क्या ले आया? इतने सालों बाद मिला है तू, कुछ और नहीं पूछेगा? भाई तू दूर कहीं खंडरों में जंगलों में भटक रहा था, इतना तो मालूम है। तो सोचा कि जब तू मिलेगा तो खुद ही बताएगा कि इन 5 सालों में तू कहां कहां होकर आया है। सब बता दूंगा मैं, ऐसा ऐसा सब बता दूंगा, मगर आज मत पूछ यार। क्यों यार, तू एक दोस्त को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? हाँ यार, इसलिए तो तेरे पास आया हूं कि तेरे जैसा दोस्त ही मदद कर सकता। क्या हुआ पंडेरो, तू कुछ बदल गया है? क्या है इस बॉक्स में? प्लीज प्लीज इस बारे में ना ही पूछ तो अच्छा है। अरे लेकिन इस बॉक्स में है क्या? कहा ना मत पूछ, इतनी बड़ी हवेली में तू अकेला है, नौकर चकर का है? ये हवेली तो बिक गई है मेरे दोस्त। देख अब मैं चोर हो गया हूं, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाता हूं। हाँ अच्छा चल अब बता इस बॉक्स में क्या है, मैं देखूं क्या खोल के। नहीं प्लीज इसके पास मत आना। ए भैया तू मेरे घर में किसी की लाश तो नहीं लेके आ गया ना? अच्छा बोलना, अच्छा कहीं वो उसमें मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू उससे इसके बारे में और मत पूछ। अच्छा मत पूछ। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, जा जा के आराम कर ले जा। हाँ मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूं। ठीक है ठीक है, वो ऊपर बाईं तरफ कॉरिडोर है, उसके आखिरी में बेडरूम है, जा जा के सो जा। भाई कुछ हेल्प करो। प्लीज प्लीज हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। जाने कहां से एक बॉक्स उठा के ले आया था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। थोड़ी देर बाद मैं उसके लिए खाना लेके गया, फिर जो मैंने देखा। पुंडेरो ए पुंडेरो, आप कैसे हिल रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि इस बॉक्स को मत खोलना। सॉरी यार, रहा नहीं गया, दिल मचल रहा था। तुझे ये नहीं खोलना चाहिए था यार।
इसे नहीं खोलना चाहिए था तुझे। पता तो दे कि इस बक्से में है क्या। काश मैं तुझे बता सकता कि इस बॉक्स में क्या है। बस तू इतना समझ ले कि मैं इस बॉक्स को कहीं छोड़ नहीं सकता यार, छोड़ नहीं सकता। जिंदगी भर के लिए ये मेरे साथ चिपक गया है, चिपक गया है मेरे साथ। तू एक काम कर, तू जाके सो जा। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तू जाके सो जा मेरे यार, सो जा, जाके सो जा। मेरे दोस्त का वो चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा कि पूरी दुनिया का दर्द और दुख उसी की आंखों में उतर आया था। आधी रात को अचानक मुझे एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी। देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। एक लालटेन लेकर मैं उस चीख की तरफ बढ़ा। बोंडेरा, बोंडेरा, ये निशान इंसान के तो नहीं लगते। मैं
से मालूम है, तो दरवाजे के पीछे बाहर निकाल। मैं कैसा मान बाहर निकाल, निकल बाहर, बाहर निकाल, मुझे मालूम है सही है, बाहर निकाल। कहाँ चलोगे ऋषि, कहाँ चलोगे तू? नहीं छोड़ूंगा, कहाँ तक छुपे, कहाँ तक छुपेगा, कहाँ तक छुपेगा तू? नहीं छोड़ूंगा, नहीं, बाहर निकाल। मुझे मालूम है तू किसी हाइडर में छुपा, निकल बाहर, बाहर निकल, निकल। मेरे दोस्त को मुंह ढोलो, बाहर निकाल, मैं कहता हूँ। सामने आओ, सामने किसी तरह से जान बचाकर मैं वहां से भागा, फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई वहां जाने की। जो भी एक बार जाता है फिर कभी वापस नहीं आता, कभी वापस नहीं आता। मैं तुझे एक रात का टाइम देता हूं, बस सिर्फ एक रात का। घर में वापस जा, या तो वो हीरे लेके आ या 10 करोड़। अब तेरे हाथ में है कि तू किससे मरना पसंद करेगा, उसी से जो तेरे घर में है या फिर मेरे बॉस से। प्लीज मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, प्लीज मेरा विश्वास करो। किसी तरह से अगर वापस जाकर हीरे ले आओ तो जान बच सकती है। वो 10 करोड़ भी तो ले रखे हैं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? नहीं लाया तो ये लोग कल सुबह मुझे मार डालेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने घर में जाऊं और वहां से हीरे लाने की कोशिश करूं। वहां बैठते हैं। आज ना तो किसी होटल में रह सकते हैं और ना हमारी कार में। कार 3 किलोमीटर दूर खड़ी है, मैं चल चल के थक गई। मैम अगर पैसे होते ना तो पेट्रोल कब का डाल दिए होते। यस सर, क्या चाहिए? जरा जल्दी बोलना, बार बंद होने का टाइम। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं तो फिर यहाँ पर क्यों आए? हम थोड़ी देर बैठेंगे। चाय वगैरह कुछ मिलेगी क्या? चाय? और यहाँ पर, यहाँ चाय वगैरह नहीं मिलती। कुछ पैसे वैसे है या नहीं? पैसे वैसे? हम क्या भिखारी दिखते हैं? ओए चुपचाप निकलो यहाँ से, मैं बोला ना बार बंद होने का टाइम है। नहीं जाएंगे तो? नहीं जाएंगे। ओए कालिया जरा यहाँ पर आना, इन्हें उठाकर बाहर फेंकना है। ए, फेंकने की बात करता है, मैं अपने डैडी को फोन करूंगा ना, ये बार खरीद लेंगे। ओए डैडी के बच्चे चल निकल यहाँ से, चलो एक मिनट। चलो तुम लोग जाओ, इनके पैसे मैं दूंगा, जाओ। ओके सर। Thank you.
अच्छे घर के लगते हो। समझता हूं मैं, पेट भर के खाना खाना। सर वो मेरे डैडी ना, देखो मेरा एक काम है, अगर तुम लोग कर दोगे तो मैं तुम लोगों को। बीस लाख रुपए दूंगा। अगर ये आपकी हवेली है तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते अंदर? अगर मैं खुद जा सकता तो तुम लोगों को 20 लाख क्यों देता? 20 लाख देके क्या खरीद लिया है मैं? सोच लो, जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। अरे नहीं नहीं, हम जाएंगे अंदर, मगर अंदर से लाना क्या है? सीढ़ियों से ऊपर जाकर बेडरूम में एक हीरों का डिब्बा है। हीरे? हाँ, 10 करोड़ के हीरे। आप खुद क्यों नहीं ले आते? अंदर कोई चीज है जिससे मुझे डर लगता है। तुम्हें खुद के घर में जाने से डर लगता है? और मैं तुम लोगों को भी बता देता हूं, वो चीज बहुत डरावनी है। क्या करती है वो? कभी कभी मार देती है। जान से? हम नहीं जाएंगे अंदर। 20 लाख रुपयों के लिए तुम लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं है। न जाने कब से भागे हुए वो घर से। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी खबर नहीं ले रहे हैं, और इतने छोटे से काम के कौन देता है 20 लाख? बोलो कितनी दूर है ये? बस 3-4 मिनट में जाके आ सकते हो। बस 3-4 मिनट? हाँ, भाग के जाओ, भाग के लौटाओ। ठीक है, मैं ये कैमरा आगे रखता हूँ, और तुम लोग देखते रहना उसमें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई खतरा दिखे तुम लोग आ जाना। सैंडी, ऑल द बेस्ट। हाँ कश मोना, मैं यहाँ आ गया हूँ। सीढ़ी कहाँ है ऊपर जाने के लिए? अब दाहिनी तरफ। सैंडी, दाहिनी तरफ सीढ़ी है। हाँ सीढ़ी है। दे रहा हूं ना सैंडी, ये देखो, ये you
सैंडी बोरी सीढ़ी वहीं से भागा था वो। बहुत डर लग रहा है आकाश, हमें उसे बचाना पड़ेगा। सैंडी 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 घर बेचारे सब कुछ खत्म हो गया, क्या करूं क्या करूं। अगर हीरे नहीं मिले तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। अब तेरे हाथ में है कि तू किससे मरना पसंद करेगा, उसी से जो तेरे घर में है या फिर मेरे बॉस से। अंदर जाऊंगा और अपना हीरे लेकर आऊंगा, जल्दी से जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा। देखता हूँ क्या करता है। किसी तरह से मेरे हीरे मिल जाए बस। Oh!
छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा। चला गया, मर गया, खत्म हो गया। चला गया दरिंदा, खत्म हो गया। हवेली वाली सड़क पे किसी आदमी से 20 लाख रुपए मत लेना, मत लेना, मत लेना, मत लेना।